हेलो गाइस, वेलकम टू ऑब्सेस्ड स्पेस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग चिजल्ड बुकशेल्फ से एक सीक्रेट डोर कैसे बना सकते हैं। तो चिजल्ड बुकशेल्फ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोजांग ने माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट में ऐड करी है, तो हम चलिए देखेंगे कि इससे हम सीक्रेट डोर कैसे बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई सीक्रेट एंट्रेंस नहीं दिख रहा होगा, पर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए पहले से बना रखा है, तो इसमें हम जैसे ही बुक्स डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सीक्रेट हाइड आउट डोर खुल चुका है, जिसके अंदर मैंने कई सारी लाइटें लगा रखी हैं, तो देखने में बहुत ही कूल लगता है। तो हम चलिए देखते हैं कि हम इसे अपने बेस में कैसे बना सकते हैं, और इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कहाँ पे बना है। तो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैंने ये कैसे बनाया। पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइब्रेरी है बुक्स की, जो कि देखने में ठीक ठीक लग रही है। अगर मैं इससे कुछ बुक्स निकालता हूँ, तो हम देखेंगे कि बुक्स निकालते ही इस वाली से, और किसी से नहीं, इसमें से कई सारी, बट इस वाली से मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे ही हमारा एक डोर बन जाता है, जो कि हमारा हमारे राइट आर्मर तक लीड करता है। तो आप इस डोर से अपने वैल्यूएबल संभाल के रख सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पे दो बुकशेल्फ्स यूज़ करी हैं और कुछ पिस्टन्स यूज़ करें, और अगर मैं इसमें वापस बुक्स रख दूँ तो आप देखेंगे कि ये फिर से बंद हो जाता है, और कोई इसे देख भी नहीं पाएगा कि ये कैसे बना है। सीक्रेट डोर को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी एक चिजल्ड बुकशेल्फ, कुछ रेड स्टोन डस्ट, वो डिपेंड करती है कि आपका वायर कितना लंबा है, एक रेड स्टोन रिपीटर। अगर वायर ज़्यादा लंबा हो गया तो हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रेड स्टोन रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ यहाँ पे हम रेड स्टोन कॉम्परेटर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि चिजल बुकशेल जो है वो हमारी रेड स्टोन कॉम्परेटर से ही एक्टिवेट होती है। एक स्टिकी पिस्टन और कुछ स्टोन या फिर कॉबल स्टोन के पीसेज, ये बेसिकली फिलर्स का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक चिजल्ड बुकशेल्फ अपनी, और चिजल्ड हमें ये ध्यान रखना है कि हम चिजल्ड बुकशेल्फ के राइट में ही हमें ये रखना होगा। ये जो हमारा चिजल्ड बुकशेल्फ है, हमें रेडस्टोन कॉम्परेटर उसके राइट में रखना है, और ये अभी अब ऑपोजिट फेस कर रहा है हमें, ये जो इसके दो सिग्नल वाले जो साइड है, ये हमें चिजल्ड बुकशेल्फ की तरफ फेस करानी है। तो हमें ऐसे फेस करा देनी है, और अब अगर हम इसमें बुक्स फिल करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें सिग्नल आने लगा, और ये सिग्नल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स हम इंक्रीज करते जाएंगे। सो जैसे जैसे हम बुक्स बढ़ाते जाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा रेडस्टोन सिग्नल जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो हम इसी प्रिंसिपल पर अपना सीक्रेट डोर बनाने वाले हैं। सो एक दो तीन, ये हम जैसे देखेंगे हमारा ये सिग्नल बढ़ता जा रहा है। अब हमारा सिग्नल यहाँ तक पहुँच चुका है, जो कि बेसिकली इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो कि हमारी मैक्सिमम रेडस्टोन ट्रांसमिट करने की डिस्टेंस 6 ब्लॉक से हमारे चिजल शेल्फ की। अब अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन रखेंगे तो ये पिस्टन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये पिस्टन ने देखा एक्टिवेट हो गया। सो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहेगा सीक्रेट डोर को बनाने का। तो चलिए अब हम इसे ऑर्गेनाइज करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो अगर हम इससे बुक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे, जैसे दो बुक्स मैंने निकाली तो देखा हमने कि ये फिर से रिट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसका जो रेडस्टोन सिग्नल था अब इस वायर तक आ रहा है, अब इस वायर पे ये नहीं जा रहा है। सो बेसिकली ये रेडस्टोन वायर आपका कितनी डिस्टेंस पे, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी बुक्स इस पर रखनी पड़ेंगी। जैसे मुझे इस वाली बुक शेल्फ में सिर्फ 3 ही बुक्स रखनी पड़ती हैं, जैसे मैं एक अगर यहाँ पर निकाल लूँ तो इसका रेडस्टोन वायर चला जाता है, मुझे ये पूरी बुक शेल्फ नहीं भरनी पड़ती और ये फिर से काम करने लगता है। वैसे मैं अगर 2 रख दूँ तो ये फिर से काम करने लगेगा। तो ये बेसिकली इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर कई सारे रिपीटर्स का यूज़ किया है, जो कि इस रेडस्टोन सिग्नल को रिट्रैक्ट करते रहते हैं। सो इस वजह से मुझे इसमें सिर्फ 3 ही बुक्स रखनी पड़ती हैं। सो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। हम चले देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे कई सारी चिजल बुकशेल्फ्स रखी और उसके अंदर बुक्स रख दी, तो ये बेसिकली कंफ्यूजन का काम करेगा। आप फिर इसको बनाने के बाद इस बेसिक रेडस्टोन एसेंशियल्स को हाइड कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ पे मैंने एक रेडस्टोन कॉम्परेटर रख दिया, जो कि हमारा 2 सिग्नल वाली साइड उस तरफ है, 1 सिग्नल वाली साइड इस तरफ है, तब ये चिजल बुकशेल्फ काम करेगी। फिर मैंने यहाँ पे रेडस्टोन मैं इन 2 पिस्टन तक ले गया, जो मेरा ये वाला डोर है, इन 2 पिस्टन तक, वो भी देखते हैं। यहाँ मैंने रिपीटर्स का यूज़ किया ताकि रेडस्टोन सिग्नल्स हमारे वीक ना पड़े। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं, ये मेरा एक पिस्टन है, तो मैं यहाँ पे वायर ले गया और मैंने वहाँ पे क्वार्ट्ज और ग्लास की मदद से अपना इसको ऊपर ट्रांसमिट कर दिया ऊपर वाले पिस्टन पे, तो ये मेरा पिस्टन काम करने लगा। और वैसे एक पिस्टन ये मेरा नीचे गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये मेरा वायर नीचे वाले पिस्टन की तरफ गया, जो कि मेरा वो वाला पिस्टन है। तो मैंने इन 2 पिस्टन्स को रेडस्टोन की मदद से मैंने इस चिजल्ड बुकशेल्फ से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना था, बस मेरे को देखना था कि ये वाला डोर कैसे, इस ये वाला पिस्टन मेरा नीचे जा रहा है और ये वाला पिस्टन मेरा पीछे जा रहा है। तो बेसिकली ये 2 साइडेड डोर की तरह काम कर रहा है। सो अगर अब मैं इन बुक्स को निकालूंगा
तो हम देखेंगे कि रेडस्टोन सिग्नल की मदद से ये दोनों मेरे पीछे जा रहे हैं, और ये वाला बुक शेल्फ मेरी पीछे चली गई और ये वाली बुक शेल्फ मेरी नीचे चली गई, और ये मेरा डोर बन गया मेरे आर्मर की तरफ जाने का। यही था कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल रेडस्टोन कॉन्ट्रैप्शन है, आप इसे ईजिली बना सकते हैं और आप अपना सीक्रेट डोर खुद का बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।